नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24/7 और आपके साथ में इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के NIT घाट के पास है। इस घाट का नाम कदम घाट है। आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको लेकर भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोगों की भीड़ मौजूद है। और ये पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कहानी आपको हम बताते हैं। आज के दिन जो हमारे महादेव हैं, जो शिव हैं, वो त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके वजह से कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। आज भारी संख्या में लोगों की यहाँ भीड़ मौजूद है, लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। तो चलिए लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब से कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, ये सेल्फी ले रही थी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ? रेखा शर्मा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं डेहरी ऑनसन के रहने वाली हूँ। आज ही कार्तिक पूर्णिमा, इसको लेकर कितना उत्साह आपके अंदर? बहुत ज़्यादा उत्साह है मुझे। बहुत खुशी आ रही है। मैं यहाँ 3 सालों से स्नान करने आ रही हूँ। क्या क्या होता है कार्तिक पूर्णिमा के? कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ दान पुण्य करते हैं लोग, अपने श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। अलग अलग जगहों से आते हैं? बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं। आपको क्या, आपका नाम क्या हुआ? रीता कुमारी। आप कहाँ के रहने? सासाराम मोनसन डिहरी। आप कब से आ रही हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने? 3 साल से आ रहे हैं लगातार। आज पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद है? हाँ, सब व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पर। हाँ, लेडीज को नहाने के लिए भी व्यवस्था अच्छा है कि अपना अच्छा से कपड़ा चेंज कर ले, और सब भीड़ भाड़ भी बहुत काफ़ी है। अच्छा लग रहा है, बहुत देख के अच्छा लग रहा है हम लोग के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आ रहे हैं, यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, उनके अंदर उसी का जो एक, क्या नाम हुआ अंकल आपका? हमरा श्याम बाबू। आप कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद पुनाई चक काको ब्लॉक। आप कब से स्नान करते हैं? स्नान तो, हाँ स्नान तो कई एक बार किए हैं। क्या होता है, क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस है यही कि अपना पूर्व नहाते आए हैं, उस आधार से नहा रहे हैं हम लोग भी कि गंगा जी में नहाए से शुद्ध हो जाता है। अब जरूर बात है कि कहीं की भी पानी यदि रखते हैं बोतल में तो खराब हो जाता है, बाकी यहाँ का पानी खराब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, तीर्थ में गंगा बाड़ा नहा सकते। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ हाँ अच्छा लगता था ना, करके ट्रेन में आते हैं, खराब थोड़ी है। हो यहाँ खुशहाल लगता है हम लोग के। बहुत बेहतरीन। क्या नाम है आंटी आपका? अच्छा है। मेरा नाम मानती देवी है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? जहानाबाद के काको से आई हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप कब से वो कर रही हैं, स्नान कर रही हैं? बचपन से नहाते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लग ही रहा है, अब महत्वपूर्ण इसका माना जाता है। बहुत मौजूद है, आपको मौजूद है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण ये अथी से माना जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी बता दें? मतलब ये हम लोग का पूर्वजे से सब में बहुत पुराने से आ रहा है कि ये बहुत अच्छा ये दिन शुभ है। भार कार्तिक लोग पूजा करते हैं तो पूर्णिमा के रोज बत्ती उत्ती दहलाते हैं। स्नान करने के बाद क्या क्या होता है? स्नान करने के बाद घाट पूजाता है, पूजा होता है, बत्ती दहलाया जाता है। फास्टिंग भी करती हैं? फास्टिंग भार कार्तिक रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं गंगा स्नान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने बताया उनके अंदर कितना उत्साह भरा हुआ है, आपने साफ तौर पे देखा था। और श्रद्धालुओं से हम बातचीत करेंगे और आपको जानकारी देंगे किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ से उपस्थित हो रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा है दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं, श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं और पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की यहाँ पर आराधना हो रही है। ये माता तुलसी जी की यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जगहों के लोग यहाँ मौजूद हैं, श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं और अपनी पूजा स्नान गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर हैं पंडित जी, तो चलिए उनसे हम जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम अरविंद ओझा है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा बहुत धर्मात्मा दिन होता है, पुण्य दिन होता है।
इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व है। आज के दिन स्नान करना बहुत पुण्य का काम है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद क्या होता है? गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ होता है, दान पुण्य लोग करते हैं और इससे करने से लोग तीर्थ के फल प्राप्त होता है। तो आपने देखा, पंडित जी हमारे जो बाबा हैं उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो आपने साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों के लोग उपस्थित हो रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, उनके अंदर खुशी का जो उत्साह है, खुशी का जो रौनक आपको देखने को मिल रहा है। आपने साफ तौर पर देखा कितने एक्साइटेड है लोग, गंगा स्नान कर रहे हैं। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको लेकर अलग अलग जगहों के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर गंगा माँ में, गंगा मैया में जाकर स्नान कर रहे हैं। तो ये अलग ही उत्साह है हमारे बिहार में, खास तौर पे अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आपने साफ तौर पे देखा यहाँ पर पूजा हो रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और बाकी की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे 24/7 के साथ। और अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द करें।